तो आज के वीडियो में मैं आपको एक माइक के बारे में बताऊंगा जिसको आप आराम से मोबाइल की डीएसएलआर की लैपटॉप में कनेक्ट करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आता है कि हम मोबाइल पे कैसे रिकॉर्ड करें जिसका क्लैरिटी अच्छा हो साउंड का। एंड अभी आप जो मेरा आवाज़ सुन रहे हो वो माइक के थ्रू ही जा रहा है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइक पहना हुआ है। एंड अभी आप देख सकते हो कि कैमरा एंड मेरा डिस्टेंस काफ़ी है, मैंने ट्राई किया है जितना डिस्टेंस हो सके मैं मेंटेन कर सकूँ, फिर भी आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है जो कि माइक के थ्रू जा रहा है। तो एक काफ़ी हैंडी माइक है, कॉलर माइक है, आप आराम से कॉलर में पहन सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको सामने रख के गिटार का साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपने माइक का क्वालिटी सुन लिया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका क्लोज लुक देख लेंगे एंड देखेंगे इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल की लैपटॉप की कैमरा के साथ। तो काफ़ी हैंडी है अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल पे एंड आपका मोबाइल दूर में रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका साउंड ठीक से कैप्चर नहीं होता है, पर ये माइक का यूज़ करना आपका साउंड काफ़ी अच्छा कैप्चर होगा। एंड इसका लेंथ भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो और भी एक्स्ट्रा वायर नीचे गिरा हुआ है। तो चलिए इसका भी क्लोज लुक देख लेते हैं अभी। तो चलिए एक बार कुछ गा के एंड प्ले करके मैं आपको सुना देता हूँ, हल्का सा आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये रिकॉर्ड करता है, उसके बाद हम इसका क्लोज लुक देख लेंगे। तो चलिए इसका क्लोज लुक देख लेते हैं अभी। ये माइक का क्लोज लुक देख लेते हैं, ये आपका राइट कंपनी का है, लेपल माइक है एंड इसका प्राइस अराउंड है 1999, पर ये आपको मिल जाएगा अराउंड 1000 रुपीज में मिल जाएगा, जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड काफी अच्छा क्वालिटी का माइक है, बॉक्स भी काफी अच्छा है। तो ये रहा आपका माइक जो कि काफी अच्छे क्वालिटी का है, इसका बिल्ड काफी अच्छा है एंड इसका सबसे अच्छा बात मुझे लगा कि इसका जो वायर है काफी लंबा है। तो इसका एडवांटेज ये कि अगर आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो एंड मोबाइल को आपने दूर रखा हुआ है तो आपका साउंड आराम से कैप्चर हो जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में भी देख लिया, काफ़ी अच्छा माइक है, मैंने इसको यूज करके स्टार्टिंग का आपका जो इंट्रो बनाया था, वीडियो बनाया था। तो चलिए और थोड़ा क्लोज लुक देख लेते हैं अभी। तो इसमें एक बैटरी यूज होता है, पर अगर आप मोबाइल में यूज करो तो इसको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो मोड्स आपका दिया गया है, ठीक है, आप ऑफ कर लेना अगर आप मोबाइल पे यूज करो, पर अगर आप इसको डीएसएलआर की लैपटॉप की किसी अदर डिवाइस पे यूज करो आपको बैटरी यूज करना पड़ेगा जो कि इसको फैंटम पावर देता है। एंड इसके साथ आपको एक फ्री बैटरी भी मिलता है देख सकते हो आप, एंड एक कन्वर्टर मिलता है जो कि काफ़ी हैंडी है अगर आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, आपको कॉलर माइक पहनना है तो आप इसको डायरेक्ट एम्पलीफायर में भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा इसका साउंड क्वालिटी। तो अभी मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ कैसे आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, काफ़ी इजीली खुल जाता है, बस आपको इसको रोटेट करना ही वाला पार्ट, यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हो। तो काफ़ी हैंडी माइक है, इसको आप आराम से कैरी करके ले सकते हो कहीं भी, इसके साथ एक पाउच बैग मिलता है एंड इसका जो मेन माइक है एंड इसके साथ एक फिल्टर भी आपको मिलता है, एक्चुअली दो फिल्टर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल मुझे माइक काफ़ी अच्छा लगा एंड इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे क्वेश्चंस करते हो कि मोबाइल में कैसे कनेक्ट करें माइक, कौन सा अच्छा माइक है। तो ये काफ़ी बजट में आपको मिल जाएगा, 1000 रुपीज़ इसका प्राइस है, आप चेक करते रहना, कभी कभी कम जाता है कभी कभी बढ़ जाता है इसका प्राइस, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड इसका लेंथ भी काफ़ी लंबा लेंथ है ये, तो इसे क्या होगा आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, जो कि अगर आप डायरेक्ट मोबाइल में कर रहे हो कि डायरेक्ट कैमरा में कर रहे हो वो मुश्किल रहता है क्योंकि साउंड कैप्चर नहीं हो पाता। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप आराम से साउंड को कैप्चर कर सकते हो, डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई भी डाउट का आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।